ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने तकरीबन रात 12:30 बजे 100 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइल इसराइल पर दाग दिए, जिसके बाद इसराइल की आवाम जेरे जमीन बंकर्स में जाकर छुप गई है। पूरे इसराइल में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। तमाम स्कूल, दफातर और शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए हैं। ईरान की जानिब से ड्रोन लॉन्च करने के बाद इसराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया है और फाइटर जेट्स इसराइल की फिजाओं में मौजूद है। ईरान ने अपने तमाम पड़ोसी ममालिक को भी वार्निंग जारी कर दी है की अगर किसी ने इसराइल को अपनी फजाई हदूद ड्रोन रोकने के लिए फराम की तो उस मुल्क को भी निशाना बनाया जाएगा। अरब मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ये ड्रोन ईरान से इसराइल पहुंचने में घंटों का टाइम लेंगे। दूसरी जानिब इसराइल मीडिया की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से ड्रोन लॉन्च किए जाने के बाद इसराइली जेट्स ने उर्दन और शाम में जाकर कुछ ईरानी ड्रोन को तबाह कर दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर भी अपनी छुट्टियाँ मुख्तसर करके व्हाइट हाउस पहुँच चुके हैं और उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी टीम का इजलास भी तलब कर लिया है। इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज हो चुका है। अगर इसराइल की जानिब से ईरान पर जवाबी हमला किया जाता है तो ये जंग पूरे खित्ते में फैलने वाली है।